हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें बोलेरो पिकअप पावर स्टीयरिंग में लेना चाहिए या मैनुअल स्टीयरिंग में लेना चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन चलाने में स्मूथ है, कौन बेस्ट चलती है और कितना हमें पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है हमें पावर स्टीयरिंग खरीदने के लिए और क्या पावर स्टीयरिंग बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी हमें लेना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी पिकअप बेस्ट रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप YouTube से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या YouTube पर काम करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट कर दिया है YouTube, तो मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको चेकआउट करना है और सब्सक्राइब भी करना है, उस पर आपको YouTube रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है उस वाले को। तो चलिए वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। तो दोनों की अगर बात करते हैं तो कि प्राइस कितने का फ़र्क मिलता है हमें और कौन सी पिकअप में ये ऑप्शन मिलते हैं हमें। ऑप्शन की बात करते हैं तो 1.3 हो गई और मैक्सी ट्रक प्लस हो गई, इसमें हमें ऑप्शन मिल जाते हैं पावर स्टीयरिंग और मैनुअल के, दोनों में मिलते हैं हमें। तो इसमें से आप पावर स्टीयरिंग भी ले सकते हैं और मैनुअल भी ले सकते हैं। अगर अदर की बात करते हैं जैसे 1.7 हैं और भी हैं, कैंपर हैं, तो उनमें हमें पावर स्टीयरिंग ही मिलती है, उसमें हमें ऑप्शन नहीं मिलता है, सादा स्टीयरिंग नहीं मिलती है, उसमें सिर्फ पावर स्टीयरिंग ही मिलती है। आप डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं कि डैशबोर्ड हमें कैसा मिलता है, तो पावर स्टीयरिंग का, नॉन पावर स्टीयरिंग का, मैनुअल का आप ये वाला देखिए, मैनुअल में आपको कुछ ऐसी स्टीयरिंग मिलती है। और पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं तो पावर स्टीयरिंग की कुछ ऐसी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, बोलेरो जैसी फील होती है, तो पावर स्टीयरिंग की स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी लगती है देखने पर। अगर अपग्रेड की बात करते हैं कितना पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है पावर स्टीयरिंग खरीदने के लिए, तो हमें पावर स्टीयरिंग खरीदने के लिए 15,000 से 16,000 रुपये देना पड़ता है अगर आप पावर स्टीयरिंग लेते हैं तो। बाकी मैनुअल लेते हैं तो 15,000 आपको कम देना पड़ेगा, पावर स्टीयरिंग के लिए आपको 15,000 से 16,000 आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन सी बेस्ट है, दोनों में से कौन सी चलाने में सही है, दोनों अपनी जगह सही है। बाकी अगर एक की चॉइस करते हैं कि कौन सी बेस्ट है, तो कुछ कंडीशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जैसे कंडीशन के हिसाब से आप बात करते हैं कि अगर आपको खुले एरिया में चलाना है, आपको सिटी वगैरह में नहीं चलाना है, तो आप मैनुअल ले सकते हैं। 15,000 आप ना दें, आप मैनुअल ले सकते हैं। बाकी अगर आपको सिटी में चलानी है, गाँव में भी चलानी है, मोड़ों पर चलानी है, तो आप पावर स्टीयरिंग लीजिए। मैंने खुद चला के देखी, पावर स्टीयरिंग इतनी बेस्ट गाड़ी चलती है, आपको ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सादा लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मोड़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है, जैसे कि लोड गाड़ी है तो कोई मोड़ है एकाएक तो उसको काफ़ी ज़्यादा मोड़ना पड़ता है, तो पावर स्टीयरिंग में काफ़ी ज़्यादा मोड़ने के हिसाब से, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है एकाएक आपको मोड़ना है तो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। बाकी अगर पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं, मैंने खुद चला के देखी, इतनी बेस्ट चलती है, आपको थोड़ा ही ऐसा मोड़ना पड़ता है उतने में आपकी गाड़ी मुड़ जाती है। मैनुअल स्टीयरिंग में यही है कि आपको मोड़ना ज़्यादा पड़ता है, आपकी ताकत ज़्यादा लगती है, जैसे कि कोई मोड़ है तो आपको ज़्यादा स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा घुमाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही आपको घुमाना है, मैनुअल में काफ़ी ज़्यादा घुमाना पड़ता है। वहीं अगर पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं तो पावर स्टीयरिंग आप थोड़ी सी घुमाएंगे आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथली मुड़ जाती है। और शहर में ट्रैफिक तो हो गई पर इसके पावर स्टीयरिंग से मुझे इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी गाड़ी में लोड है, कोई सामान लोड है, जैसे ज़्यादा ओवरलोड है गाड़ी या लोड है जितना भी है, तो ऐसा नहीं है कि कभी गाड़ी आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी इस साइड मुड़ रही है या इस साइड मुड़ रही है थोड़ी हला में, ऐसा भी नहीं है, आप आराम से चला सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ट्रक हो गए वो तो पावर स्टीयरिंग में आने लगे हैं, तो एक तो पिकअप ही है, ऐसा नहीं है। आप पावर स्टीयरिंग में आप एक बार ट्राई जरूर लीजिए, आप किसी दोस्त की है या कंपनी में भी जा सकते हैं, आप बोलिए कि मुझे एक पावर स्टीयरिंग वाली चला के देखनी है और सादा भी चला के देखनी है, तो वो चलाने देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन सी बेस्ट है। मैंने खुद खाली में चला के देखी है, माल लोड करके चला के देखी है, तो पावर स्टीयरिंग एक बेस्ट गाड़ी है और अच्छी चलती है और पैसा भी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, 15,000 से 16,000 रुपये देना पड़ता है पावर स्टीयरिंग के लिए। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मुझे, और एक चीज़ क्लियर बता दूं, अगर जिनके पास पिकअप नहीं है आप सोच रहे हैं, जिनके पास सादा स्टीयरिंग वाली पिकअप है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं पावर स्टीयरिंग कैसे अपनी गाड़ी में लगवाऊं, कैसे अपग्रेड करूं, तो उनको यही समस्या आ रही है कि वो मोड़ना ज़्यादा पड़ता है, उसमें ताकत ज़्यादा लगती है मैनुअल स्टीयरिंग में, इसलिए वो पावर स्टीयरिंग की बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है किसी ने आज तक ये नहीं किया कि भाई मेरे में पावर स्टीयरिंग है मुझे मैनुअल करवानी है, तो किसी ने नहीं बोला है,
तो पावर स्टेयरिंग जरूर लीजिए। सबको सबको ही पावर स्टेयरिंग चलाना पसंद करता है और आप एक बार ट्राई जरूर लीजिए, काफ़ी स्मूथली गाड़ी चलती है। तो आपको पावर स्टेयरिंग पर अपग्रेड जरूर करना चाहिए। अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आपको एरिया भी चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस एरिया में चलाते हैं। आप खुले एरिया में चलाते हैं तो उतना ठीक है कि हाँ चलो ठीक है, अगर आप सिटी में चलाते हैं तो वहाँ छोटी छोटी मोड़ें रहती हैं कि इस साइड मोड़ना, सिटी है, हर एक चीज़ है। तो वहाँ पर तो देखिए कि पावर स्टेयरिंग ही आपकी बेस्ट रहेगी, पावर स्टेयरिंग ही बेस्ट रहेगी। और अगर आप हर जगह अच्छी चलाना चाहते हैं तो पावर स्टेयरिंग ले लीजिए, अच्छा ऑप्शन है और अच्छी चलती है गाड़ी। एक बार खुद चला के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन सी है। और जिसके पास पावर स्टेयरिंग है उससे भी आप एक बार पूछिए कि आखिर कौन सी बेस्ट है, कैसी चलती है, तो वो खुद बता देंगे कि पावर स्टेयरिंग बेस्ट गाड़ी है और अच्छी चलती है। अब तो ट्रैक्टरों में भी पावर स्टेयरिंग आने लगी है, ऐसा नहीं है कि वो आपको लगता है कि माल लोड करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, इस साइड ना मुड़ जाए, इस साइड ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेस्ट चलती है गाड़ी। एक बार आप ट्राई जरूर ले लीजिए लेने से पहले। और मेरी तो सलाह है कि आप पावर स्टेयरिंग ही लीजिए, आप नॉन पावर स्टेयरिंग मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं आपको देना है और पावर स्टेयरिंग में आपको गाड़ी मिल जानी है। अब तो हर वाहन पावर स्टेयरिंग में आ रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यूट्यूब रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है न्यू चैनल का, उस पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं या काम करने की सोच रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।